निफ्टी का क्लोजिंग काफी हद तक मिला जुला देखने को मिला। 19,597 पर निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया, लगभग 80 पॉइंट पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोज होता हुआ नजर आया 65,953 पर, और बैंक निफ्टी यहां पर क्लोज होते हुए नजर आए लगभग 44,838 पर, जो कि रहा 42 पॉइंट नेगेटिव। यानी कि बैंकिंग काउंटर आज कहीं ना कहीं से नेगेटिव रहा। साथ ही अदर एक अगर यहां पर सेक्टर देखते हैं, ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, एनर्जी, फर्टिलाइजर, मीडिया, फार्मा, ये सभी पॉजिटिव क्लोजिंग यहां पर करते हुए नजर आए। सिर्फ बैंक और मेटल में आज के दिन यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती रही। फिलहाल एक बार को टॉप लूजर और गेनर की बात करें तो आज गेनर साइड से M&M, सन फार्मा, अदानी पोर्ट, क्रासिम, बजाज फिंसर, ये ऐसे काउंटर रहे जो कि 4% से लेके 1.5% की पॉजिटिव क्लोजिंग करते हुए नजर आए। साथ ही लूजर्स की साइड पे देखें तो आज VEDL, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, SBI, टाटा मोटर, ये ऐसे काउंटर रहे जो मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। VEDL में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अब इस समय मार्केट में काफी हद तक मिला जुला रुझान तो देखने को मिल ही रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स और खासतौर से OI डेटा को यहाँ पर इस समय देखना ज्यादा जरूरी है। निफ्टी के अंदर OI डेटा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा OI पुट साइट पे 19,500 की पुट पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही कॉल साइड जाते हैं तो 19,700 और 19,900, ये दो ऐसी स्ट्राइक्स हैं जिनमें की सबसे ज्यादा OI बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये साफ साफ नजर आता है कि एक दायरा जो बना रहेगा अभी 19,500 और 19,900 के बीच में रहेगा, बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव नहीं देखने को मिलेंगे। कल की बात करें तो कल के मार्केट में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है। पावर, ऑटो, मेटल, ये ऐसे काउंटर रहेंगे जिनमें थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन लीड करता हुआ यहाँ पर IT इंडेक्स आपको नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक की भी के साथ में ये भी जानना जरूरी कि अभी रिजल्ट सीजन चल रहे हैं तो किन स्टॉक्स का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। तो अगर सिर्फ कल के लिए यहाँ पर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि काफी इंपॉर्टेंट है अदानी पोर्ट, आज पॉजिटिव बंद हुआ है, अग्रेसिव तेजी से बाइंग थी, लेकिन कल इसके रिजल्ट आने हैं। अर्निंग एज पर एक्सपेक्टेड है, थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। कोल इंडिया की बात करें तो उसका भी कल रिजल्ट है। हिंडालको ऑयल, आरती इंडस्ट्रीज, चंबल फर्टिलाइजर और रेणुका शुगर, ये ऐसे काउंटर रहेंगे जिनके कि कल यहाँ पर रिजल्ट निकलते हुए नजर आ सकते हैं और आप इनको फोकस में रख सकते हैं। अब आते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको कौन से स्टॉक यहाँ पर बाय करने चाहिए और किन स्टॉक्स में आपको यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिलहाल फ्यूचर के स्टॉक्स की चर्चा करें तो आज REC यहाँ पर फ्यूचर स्टॉक में सबसे ज्यादा गेन करता हुआ नजर आया, 6.5% का एक तेजी का ट्रेंड था, लेकिन अभी भी ये स्टॉक 212 से 220 तक के लक्ष्य अचीव करता हुआ नजर आ सकता है, तो आप बाइंग मोमेंटम में इसको बिल्कुल ध्यान रखे चले। साथ ही SBI लाइफ यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, बाय साइड से यहाँ पर निकला है, तो आप इन स्टॉक्स को यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। अब आते हैं कुछ और स्टॉक्स की अगर चर्चा करें जिनमें आपको बाय करके चलना चाहिए, उसमें आते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है, चार्ट पैटर्न अच्छे हैं, 1.5 से 2% का अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, आप इसको फोकस करके चल सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर को भी एक बार यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि इस स्टॉक में भी फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं और कल के मोमेंटम में ये भी अग्रेसिव तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एक और स्टॉक जो कि काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन था, आप ब्रेकआउट के साथ निकला है, उसका नाम है PFC, आप इसको फोकस करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं किन स्टॉक से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इसमें अगर जाते हैं तो अदानी ग्रीन, क्यूमेंस इंडिया, AU बैंक, टाटा केमिकल, ये ऐसे काउंटर है जिनमें कल दबाव आपको देखने को मिलेगा, एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल मार्केट अभी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इन स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए और जो स्टॉक सजेस्ट किए हैं उनको फोकस जरूर रखें।